नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ दीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। जी हां, आपको बताते चले कि गुडम्बा थाना पुलिस ने बीते बुधवार को मुठभेड़ में दो शातिर चयन स्नेचरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से तलाशी के दौरान पुलिस को जेवर, नकदी, तमंचा, मैं जिंदा कारतूस आदि अन्य चीजें भी बरामद हुई। तो वहीं आपको बता दें कि थाना प्रभारी सतीश चंद्र साहू ने बताया कि पुलिस बीते बुधवार को कुकरेल जंगल के आगे स्कॉर्पियो क्लब के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, तो उन लोगों ने टीम पर फायर छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा कर फायरिंग की और दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जी आपको बता दें कि बदमाशों की पहचान बाराबंकी निवासी असलम टांडा और सीतापुर जनपद निवासी अतीक के रूप में हुई है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त शातिर किस्म के चैन स्नेचर हैं। इनके विरुद्ध लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी के थानों में लूट के कई मुकदमे भी दर्ज हैं। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य आपराधिक और इतिहास की जानकारी ली जा रही है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए नूर मियां की रिपोर्ट। मैम, ये बहुत भीड़ हुई है, कौन थे ये अपराधी जो पकड़े गए और कौन रहे? जो पिकनिक स्पॉट रोड है खुर्रम नगर चौकी और स्कॉर्पियो क्लब के बीच में, वहाँ पे हमारी पुलिस की चेकिंग चल रही थी। एक मुखबिर की ये सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से दो चेन स्नैचर्स होंडा शाइन बाइक में चेन स्नैचिंग कर रहे हैं और जो बहुत दुर्दांत तरीके से चेन स्नैचिंग करते हैं, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के उनके गले से चेन खींचते हैं, जिसकी वजह से बहुत भय भी व्याप्त है और जिसकी वजह से कुछ महिलाओं ने अपने घर से भी निकलना बंद कर दिया था। उनको देखने की सूचना मुखबिर के द्वारा हमारी पुलिस टीम को मिली। जब पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो जो दो बदमाश थे उसमें उन्होंने अपनी तरफ से फायरिंग की। हमारी पुलिस टीम को फायर आई वो मिस हो गई। हमारी तरफ से सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई हमारी पुलिस टीम की तरफ से, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम असलम है उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश भागने की कोशिश किया लेकिन उसको पकड़ लिया गया। अब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। अभी इनके पास से दो पीली धातु की चेन मिली हैं और लगभग 10,000 के लगभग रुपए मिले हैं। अब आगे इनसे पूछताछ की जाएगी, जो भी इन्होंने पहले भी घटनाएं की हैं उस हिसाब से फिर पता चलेगा। मैम, जो बदमाशों ने फायरिंग की है क्या उसमें किसी पुलिसकर्मी को भी चोट आई है? नहीं, पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। ठीक।